गत दिनों दुर्ग के मिलपारा वार्ड 38 में दस्त के मरीज मिलने के बाद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे महापौर व निगम आयुक्त के समक्ष पड़ोस के वार्ड 36 के निवासियों ने अपने वार्ड पार्षद की शिकायत की थी। वार्डवासियों द्वारा निगम आयुक्त व महापौर से की गई शिकायत की वास्तविकता देखने ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम वार्ड 36 गंजपारा पहुंची, जहां वार्डवासियों ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन लोगों को गुमराह किया गया था ताकि जनप्रिय और स्वच्छ छवि के पार्षद की छवि खराब हो सके। सब जन का काम ठीक है और मैं थोड़ा सा बहकाव में आ गया था मैम, और दो चार लोग और थे जो बयान दे रहा था, मेरा आना हुआ था और मैं थोड़ा नशे में था, छुट्टी पे था मैं, तो दिक्कत ये हो गया था। मेरे दो चार लोग बोले कि ऋषभ जैन के लिए आप बोलो, लेकिन आते रहते हैं भैया और दो चार दिन में घूमने आते रहते हैं, वार्ड का देखते रहते हैं, वो थोड़ा कचरा रहता था, दूसरे वार्ड से भी कचरा आता है पीछे से, तो कचरा बड़ा हुआ था और वही बात हो गया था, दिक्कत मतलब सामान वगैरह पूरा कचरा पड़ा हुआ था, तो मैं बकावे में आ गया था। तो जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, उनका आना जाने लगे रहते हैं, मोहल्ले में फेरियाँ मारते रहते हैं, नहीं बोले थे, लेकिन मेरे को बोला गया था, हम नशे में था तो बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी साहब जान ठीक है, जब काम वाम भी करवाने जाते हैं तो उनका टाइमिंग रहता है, तो टाइमिंग के हिसाब से अपन जाते हैं और जो भी साइन वाइन करना है पूरा करते हैं। पीछे वार्ड में रहता है 38 में, तो आया था वो उल्टा सीधा बोल रहा था, मेरा भी आना हो गया था, पता नहीं कैसे वाइट किया, या वो खुद बोला है या कोई दूसरा बोले हैं पता नहीं, लेकिन हमारा पार्षद ठीक है। ये पीछे का जुड़ा हुआ है, वार्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या कचरा यहाँ दो तीन जगह यहाँ पड़े रहता तो फेंक के चले जाते हैं, तो दिक्कत यही था कि अपन सोचे अपने वार्ड का करके, तो वही बहस हो गया था। ऋषभ भाई का आना जाना लगे रहता है, कोई दिक्कत नहीं ऋषभ भाई से, मैं ऋषभ भाई के लिए जो बोले थे बयान जो दिए थे हमारे यहाँ वो गलत है, और कचरे का जो विवाद था वो दूसरे वार्ड का था, ऋषभ भाई से कोई हमको तो मैं दूसरे के बहकावे में आके बोल दिया था, लेकिन अब डबल नहीं होगा, मेरे बहकावे में आ गया था, डबल नहीं होगा, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। वो थोड़ा बहकावे में आ गया था मैं कि भाई पैसा लिए बोले, लेकिन गलत बात है, दो बार हम उनको प्रतिनिधि चुने हैं, उनका कार्य अच्छा करके डबल चुने हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उनसे हम जरूरत पड़ता है हम उनके पास जाते हैं और काम होता है। विलास राम विलास नाम है उनका, वो आए थे, थोड़ा अभी कुछ बोल दिए थे और मेरा भी आना हो गया था, अब वो क्या बोले वो तो उतना जानकारी नहीं मेरे, मेरा आना हो गया था, लेकिन दूसरे वार्ड का उनसे अपने मतलब नहीं है। कचरा आके यहाँ डाल रहा था, वो नहीं मालूम था हम लोग के दूसरे वार्ड का कचरा यहाँ डाल रहा है, तो हमने दो तीन बार बोले उन लोगों को, उन लोगों ने नहीं उठाए, तो हम लोग बाबू जैन को बोल दिया, हमको मालूम नहीं था कि हमारे वार्ड का है, लेकिन हमारे यहाँ बाबू जैन हमेशा सफाई करवाते ही रहते हैं, हमारे मतलब नेता ऋषभ जैन, अच्छा। मतलब वो ऋषभ जैन हमारे मोहल्ले का सफाई करवाते रहते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो, अगर हमारे मुंह से अगर उनके लिए गलत शब्द निकल भी गया है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। किसी के पास गाँव में आके भी नहीं, मतलब चार लोग बोलने लगे तो हम भी बोल दिए वहाँ पर खड़े होके, हमें मालूम नहीं था कि दूसरे वार्ड का कचरा डाल रहा है, जब बाद में पता चला हमको कि यहाँ का कचरा ला ला के डाला जा रहा है करके हम इस बार में बोल दिए थे। हम लोग ने यही बोलूंगी कि हमारा ऋषभ जैन हमारे लिए सबसे अच्छा नेता है हमारे मोहल्ले के लिए, यानी हर चीज वक्त में कर देता है, हमको उससे कोई गिलवा शिकायत नहीं है बस, और जो भी हमारे से बोलने में भूल चूक हुई होगी गलती हुई है हम उसके लिए माफी चाहते हैं राजसब जी से।